दोस्तों हॉकफीड न्यूज में आपका स्वागत है। जी हाँ, आपने अभी भी खबर की जो हेडलाइन पढ़ी, बहुत बड़ी बात है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश के मामले पर वामपंथी एक्टिविस्ट यानी कि कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट जिन्हें कि नक्सलवादी समर्थक भी कहा जाता है और JNU की पूर्व उपाध्यक्ष शेहला राशिद, इनके नाम से आप परिचित होंगी परिचित होंगे। ये वही लेडी हैं जो कि कन्हैया कुमार और उमर खालिद और इस तरीके के देश विरोधी लोगों के साथ शुरू से जुड़ी रही हैं। JNU की जानी मानी एक छात्र नेता हैं। तो शेहला राशिद ने अपने ट्वीट से ऐसा विवाद खड़ा कर दिया है। JNU की पूर्व उपाध्यक्ष ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रचने में शामिल होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरह नितिन गडकरी और RSS मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रच रहे हैं, इनको देखो, उसके बाद मुसलमानों और कम्युनिस्टों पर आरोप लगाएंगे और फिर मुसलमानों की हत्या करेंगे। कुछ इस तरीके का इन्होंने ट्वीट लिखा है। तो दोस्तों ऐसा घटिया और वाहियात ट्वीट जो कि शेहला राशिद ने किया है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, इन लोगों से इसी प्रकार की घटिया उम्मीद ही करी जा सकती है। ये क्या चाह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्रिमंडल है उसमें अगर आज की बात करें तो जितने भी मंत्री हैं उनको अगर काम सही से नहीं करते हैं तो 3 महीने या 6 महीने में नरेंद्र मोदी जी उनका तबादला या तो किसी और मंत्रालय में कर देते हैं या फिर किसी और जगह पर उन्हें ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जो कि मतलब जिस पोर्टफोलियो के वो लायक नहीं थे उस पोर्टफोलियो से उन्हें हटा देते हैं। परंतु अगर बात करें तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी जो 2014 में मोदी सरकार बनने के पहले दिन से लेकर अभी तक परिवहन मंत्री हैं भारत के। आपको पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि आज नितिन गडकरी जी के राज्य में आज मतलब उनका जो जिसे कहें कि भाई सड़क मंत्रालय जो है वो तो उन्हीं के अधिकार में आता है, 27 किलोमीटर नेशनल हाईवे प्रतिदिन बन रहे हैं। ऐसा आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ। आप जानते हैं कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे नितिन गडकरी जी ने बना दिया है। आप जानते हैं कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी बन रहा है जो कि 14 लेन का अपने आप में हिंदुस्तान का पहला ऐसा 14 लेन एक्सप्रेसवे होगा। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल के सबसे सकुशल और सबसे कर्मठ एवं जुझारू नेता नितिन गडकरी जी पर ऐसा आरोप उन्होंने इसलिए लगाया ताकि वो भाजपा की टीम को तोड़ सकें और नितिन गडकरी जैसे महान नेता के ऊपर कीचड़ उछाल सकें। तो दोस्तों आगे आपको बताते हैं कि जो कि शेहला रशीद जी के इस ट्वीट के बाद काफ़ी सनसनी मच गई है। कुछ ही देर बाद इस ट्वीट पर नितिन गडकरी जी ने आपत्ति जताते हुए मामले में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। गडकरी ने शेहला का नाम लिए बिना ट्वीट लिखते करते हुए कहा कि मैं उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूं जिन्होंने मुझ पर प्रधानमंत्री मोदी को डराने के लिए हो रही हत्या की साजिश के मामले को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। गडकरी के कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी के बाद शेहला ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता व्यंग्यात्मक ट्वीट पर कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। मतलब एक तरफ कहते हैं कि आप कीजिए नितिन गडकरी जी मोदी जी की हत्या करने जा रहे हैं, इतना बड़ा आप आरोप लगाते हैं इतने एक डिग्निफाइड इतने एक शालीन व्यक्ति पर, और उसके बाद जब उन्होंने कानूनी कार्रवाई की बात करी तो आप कानून की कार्रवाई से डर के अब आप कह रहे हैं कि हमने व्यंग्यात्मक ट्वीट किया। क्या किसी की हत्या के बारे में ट्वीट व्यंग्यात्मक ट्वीट हो सकता है? आप मुझे बताइए, ये कौन सा घटिया व्यंग है जिसमें आप देश के प्रधानमंत्री की हत्या कराने की बात कर रहे हैं? और ये कैसा आप फसाद देश में फैलाना चाह रही हो शेहला राशिद जी? आपके कश्मीर में ये सब होता होगा पर ये मैं आपको बताता हूँ। और कश्मीर आपका क्या? आपका तो कश्मीर भी, आप कश्मीर की भी नहीं हो, आप इस देश की हो ही नहीं, आप तो इस समाज में इस दुनिया में उठने बैठने लायक ही नहीं हो शेहला जी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 8 जून को महाराष्ट्र के पुणे से हुई 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद एक चौंकाने वाली बात सामने आई थी। आपको बताते हैं कि अभी से 3-4 दिन पहले ही महाराष्ट्र में पुणे से कुछ नक्सलवादी समर्थक गिरफ्तार हुए हैं और इन लोगों के घर से एक ऐसी चिट्ठी मिली थी जिसमें राजीव गांधी जी की हत्या जैसी एक योजना का जिक्र किया गया था, जिसमें कि कुछ ऐसी बात करी गई थी कि राजीव गांधी के स्टाइल में कुछ दोबारा कुछ ऐसा करना पड़ेगा यानी प्रधानमंत्री की हत्या करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नक्सलवादी समर्थक है हत्या तो ये करना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी की, और आरोप ये कुत्ते किस पर लगा रहे हैं? ये कुत्ते आज नितिन गडकरी जी जैसे शालीन मंत्री पर ऐसा आरोप लगाना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो मैं तो कुत्ता ही कहूँगा। अगर आप भी मेरी बात का समर्थन करते हैं तो आप भी इन लोगों को कमेंट में कुत्ता ही कहिए, क्योंकि ये लोग हैं ही इसी लायक। दोस्तों आपसे एक बात कहूँगा, आज इस लाल आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए नीचे इस जो मेरे चैनल में एक यूट्यूब पर सब्सक्राइब का बटन है लाल कलर का, तो ये लाल बटन लाल आतंक पे लगाम लगाएगा, लाल आतंक का खात्मा करेगा।
लाल का जवाब लाल से, आप इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाइए और इन नक्सलवादी समर्थकों को, इन देशद्रोही गद्दारों को एक्सपोज करने में हमारा साथ दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। और आप मुझे ये बात भी बताएं कि अगर आप नरेंद्र मोदी जी के राज में अगर आप नितिन गडकरी जी के कार्य से का समर्थन करते हैं, जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे लेवल का काम कर रहे हैं आज, मेरे को नहीं लगता कि मोदी मंत्रिमंडल में आज की डेट में, मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि आज एक भी मंत्री नितिन गडकरी जी जितना बढ़िया काम नहीं कर रहा है उनके लेवल में। बाकी बहुत सारे मंत्री हैं, सब अपना अपना काम बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी के राज में, लेकिन नितिन गडकरी जी का कोई मुकाबला ही नहीं है, उनके जैसा मंत्री पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप नितिन गडकरी जी के कार्य का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप नितिन गडकरी जी के कार्य से खुश हैं या नहीं। और एक बात, अगर आप इन नक्सलवादी लोगों को देश से भगाना चाहते हैं तो ये बेल आइकन भी, सब्सक्राइब बटन के बगल में एक छोटा सा बेल आइकन यानी कि घंटी का निशान होगा, उसे प्रेस जरूर करें ताकि इस देशभक्ति की मुहिम में आप हमारे साथ जुड़ सकें, हर बड़ी छोटी खबर आप तक पहुँचे और इन देशद्रोही गद्दारों को इस देश से हम निकालेंगे। दोस्तों, ये हमारा वादा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत माता, नमस्कार।